अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल वाले आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और ऑप्शंस में जाके नोटिफिकेशन में ऑल में क्लिक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल वर्क्स। ये दोस्तों आप गाड़ी देख पा रहे हैं, ये स्कॉर्पियो S2 है। इसमें दोस्तों सबसे पहले तो इसका जो डीजल फिल्टर है उसमें पूरा पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से दोस्तों इसके एक्सीलेटर में प्रॉब्लम आ रही थी। तो दोस्तों मैं आपको इसकी एक झलक दिखा देता हूँ, उसके बाद डिटेल में बात करते हैं कि गाड़ी में क्या दिक्कत हुई। ये देखिए दोस्तों, इसमें ये सब कोड आ रहे थे। उसके बाद इसका जो ये पैडल देख पा रहे हो, गाड़ी अभी हमारी ऑफ है लेकिन इसका जो पैडल है वो 12% पे फंसा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग डिटेल में। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन को ऑन कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे लोकल डायग्नोस्टिक पे, उसके बाद हम लोगों को महिंद्रा सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए चूज़ करना होगा हमें ACN में, तो उसको चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ये रहा हमारा महिंद्रा इंडिया, उसके बाद ओके करते हैं। फिर दोस्तों हमें इसका मॉडल सेलेक्ट करना होगा, तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग पैसेंजर व्हीकल पे, उसके बाद स्कॉर्पियो में, फिर S2 में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें फॉल्ट कोड क्या क्या आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, इसमें ये सब फॉल्ट कोड आ रहे हैं। ये 1257 रेल प्रेशर कंट्रोल एरर, उसके बाद ये पैडल स्टक एरर का भी कोड आ रहा है दोस्तों इसमें, और ये आप U1005 P1704 ये सब भी आ रहा है। उसके बाद इसके पैडल में क्या दिक्कत हो रही है दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने डाटा स्ट्रीम में ऑन किया दोस्तों, गाड़ी अभी हमारी ऑफ है लेकिन इसका पैडल देखो आप दोस्तों, ये 12% पे लटका हुआ। अब हम लोग दोस्तों गाड़ी को ऑन करके आपको दिखाते हैं। ये हमने गाड़ी को ऑन कर लिया दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इसका जो पैडल है इसको हम लोग प्रेस करते हैं, गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं और फिर देखते हैं। ये हमने पैडल को प्रेस किया दोस्तों, और अब भी देखो दोस्तों इसका जो पैडल है वो फंसा हुआ है। इसको जबकि 0% पे रहना चाहिए, ये 12-13 पे लटका हुआ, जिसकी वजह से रेल प्रेशर जो है वो 400 बार के आसपास बन रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये जो प्रॉब्लम है ये कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले तो दोस्तों इसका जो डीजल फिल्टर है उसमें फुल पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से एक्सीलेटर में प्रॉब्लम हो रही थी, यानी कि जो है गाड़ी जो है वो सही से प्रॉपर रेस नहीं हो पा रही थी। तो इन्होंने क्या किया, डीजल फिल्टर को चेंज कराया है, और फिर भी दोस्तों चेंज कराने के बाद भी गाड़ी जो है वो रेस कंडीशन पे थी, तो जिसकी वजह से एक्सीलेटर पैडल को किसी ने खोला है, उसके बाद इसको जो है एडजस्ट करने की भी कोशिश की गई है, जिसकी वजह से इसके ओनर ने भी बताया कि गाड़ी जो है एक बार फुल रेस हो गई थी, उसके बाद एक्सीलेटर पैडल को किसी तरह सेट करके दिया गया है। अभी मैंने आपको दिखाया कि एक्सीलेटर पैडल जो है दोस्तों वो 12% पे लटका हुआ है, यानी कि जो एक्सीलेटर पैडल है वो सही से फिट नहीं हुआ है। इसको हमने ऊपर से भी ट्राई किया एडजस्ट करने का पर हुआ नहीं। तो इसके बाद दोस्तों हम एक्सीलेटर पैडल को खोल के बताएंगे आपको कि इसे कैसे एडजस्ट करना है। अभी तो जो भी दोस्तों इसमें कोड आ रहे हैं वो हील्ड पोजिशन पर, यानी कि उसको क्लियर कर देने के बाद वो कोड चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों गाड़ी जो है, मैंने आपको दिखाया कि एक्सीलेटर पैडल फंसा हुआ है, वो रेस है, और ये दोस्तों IMV है, पानी जाने की वजह से ये भी दोस्तों कई बार फंस जाता है, इसीलिए हम लोग इसको भी खोल के साफ़ कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपने नहीं देखा वो वाली वीडियो कि बुलेरो में कैसे मैंने रेस वाली प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप जाके ज़रूर देख लीजिए। इसको हम लोग क्लीन करने के लिए छोड़ देते हैं, और अब खोलते हैं दोस्तों हम लोग एक्सीलेटर पैडल को और दिखाते हैं कि उसमें क्या रहता है अंदर में, और फिर पैडल को हम लोग क्लीन करके गाड़ी में फिट करके आपको बताएंगे कि ये जो प्रॉब्लम है रेस वाली, ये सॉल्व हुआ या फिर नहीं हुआ। ये रहा दोस्तों हमारा एक्सीलेटर पैडल, जिसको हमने गाड़ी से अलग कर लिया है। अब इसको हम लोग खोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको हमने खोल दिया, इसके अंदर कुछ ऐसा रहता है। अब इसको दोस्तों हम लोग क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि आप एक सैंड पेपर ले लें, और इसके जो पिंस है ये आप देख पा रहे हैं, इसको आप हल्का हल्का रब करें। इसको आपको धीरे धीरे ही रब करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है दोस्तों, वरना ये जो पिंस है दोस्तों ये ख़राब हो सकते हैं। जब तक इसका IMB क्लियर हो रहा है दोस्तों, तब तक इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। अब इधर में भी जो पिंस है दोस्तों, इसको भी आपको हल्के से रब करना है, और उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग फिट कर देंगे। कई बार दोस्तों फिल्टर में पानी जाने की वजह से ही ऐसे दिक्कत आती है दोस्तों। फिल्टर में आपका जैसे ही पानी जाएगा, उसके बाद जो है एक्सीलेटर जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। फिल्टर में पानी जाने से
बार बार जो है चेक इंजन की लाइट आने लगती है। इसका जो एक्सेलेटर पैडल है दोस्तों, इसको हमने ऊपर से ही सेट करने का कोशिश किया, लेकिन ऊपर से दोस्तों ये नहीं हुआ, इसीलिए दोस्तों इसके पैडल को हमने खोला है। दोनों तो हमारा क्लियर हो चुका है दोस्तों, अब इसको हम लोग फिट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम गाड़ी में लगा के दिखाएंगे कि इसको सेट कैसे करना है, इसका जो RPM है। इसको जो है दोस्तों, इसको फिट करना काफ़ी आसान है, लेकिन फिट करते वक्त दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो पिन है वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, पिन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर सेट होना चाहिए। ये अगर थोड़ा सा भी गलत फिट हुआ दोस्तों, तो फिर एक्सेलेरेटर पैडल जो है वो आपका सही से काम नहीं करेगा। ये इसको दोस्तों आपको ध्यान से फिट करना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा लग चुका है। अब इसमें जो स्क्रूज आते हैं दोस्तों, इसको हम लोग फंसा लेंगे, इसको अभी हम लोग टाइट नहीं करेंगे, इसको आपको गाड़ी में टाइट करेंगे और आपको सेट करके बताएंगे कि इसका जो RPM है वो कैसे सेट होगा। ये इस साइड का भी स्क्रू हम लोग फंसा लेते हैं और एक इस साइड लगेगा, इसको भी हम लोग फंसा लेते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको आपको एडजस्ट कैसे करना है, यानी कि प्रॉपर इसको 0% पे कैसे रखना है। ये तो दोस्तों प्रॉपर 0% पे गाड़ी पे ही एडजस्ट होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसको आपको कैसे एडजस्ट करना है। ये देखिए दोस्तों, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको अगर आप लेफ़्ट और राइट करोगे तो यहाँ से ये स्लो फास्ट होगा, यानी कि यहाँ से ही एडजस्ट होगा। उसके बाद आपको स्क्रू को फुल टाइट कर देना है RPM को सही पे रख के। तो इसको तो मैं आपको दोस्तों गाड़ी पे ही करके बता पाऊँगा कि ये सही हुआ या फिर नहीं हुआ, इसीलिए अभी मैंने इसके स्क्रूज जो है उसको टाइट नहीं किए, सिर्फ फंसा के रखें। इस साइड जो दोस्तों इसका जो कनेक्टर लगेगा दोस्तों, इसमें भी हम लोग सैंड पेपर से इसको रब कर लेते हैं, ताकि अगर कुछ रस्ट वगैरह भी रहेगा तो वो निकल जाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें। इसका जो एक्सेलेरेटर पैडल है दोस्तों, ये तो हमारा लगभग हो गया है, और इसका जो IMB है दोस्तों वो भी हमारा क्लीन हो गया है। ये रहा दोस्तों इसका IMB, इनलेट मीटरिंग वेल्व। इसमें आपको जरा सा मोबिल देना है और उसके बाद इसको आपको पंप में लगा देना है। मोबिल इसलिए देते हैं दोस्तों ताकि इसका जो ओरिंग है दोस्तों वो कटे नहीं। उसके बाद इसको लगाने के बाद इसमें जो स्क्रूज़ है इसको हम लोग टाइट कर देंगे, और इसका जो ये कपलर है दोस्तों इसको हम लोग फंसा देंगे। ये लग जाने के बाद दोस्तों अब इसका जो एक्सेलेरेटर पैडल है इसको भी लगा लेते हैं, और इसको दोस्तों अब हम लोग एडजस्ट करके आपको बताते हैं। ये देखिए इसका जो RPM है दोस्तों, ये ऐसे एडजस्ट होगा, अब ये सही पे आ गया है। इसके बाद इसके जो स्क्रूज है दोस्तों, इसको हम लोग टाइट कर देंगे। अब इसको रेस कर रहे हैं। अब दोस्तों गाड़ी प्रॉपर रेस हो रही है, इसका जो RPM है दोस्तों वो भी बिल्कुल ठीक है। अब जो है इसका जो RPM है वो सेट हो चुका है, तो अब इसके जो स्क्रूज़ है इसको हम लोग टाइट कर देंगे। ये इस साइड वाला भी टाइट कर देंगे और एक इधर में है इसको भी हम लोग टाइट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम आपको स्कैनर लगा के भी चेक करा देंगे कि ये जो 12% पे लटका हुआ था वो 0% पे आया या फिर नहीं, और इसका जो रेल प्रेशर भी दोस्तों वो ज़्यादा बन रहा था वो भी अब सही हो जाएगा। इसके पैडल को हम लोग बाद में लगाएंगे दोस्तों, पहले आप लोगों को चेक करा देते हैं। ये देखिए इसका जो RPM है वो अभी सही है, इसको हम लोग रेस करते हैं और उसके बाद भी देख लेते हैं। ये हमने इसको रेस किया,
उसके बाद इसको छोड़ दिया और ये अपने बिल्कुल सही जगह पे आ गया। अब दोस्तों मैं आपको चेक करा देता हूँ। फिर से S2 में जाएंगे, उसके बाद इसके जो भी फॉल्ट कोड आ रहे थे दोस्तों उसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये रहा ये सब फॉल्ट कोड जो कि हील्ड पोजीशन पे, ये आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ये इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। इसके लिए इग्निशन को ऑफ करके फिर ऑन करना पड़ेगा। ये रहा इसका फॉल्ट कोड। अब क्लियर फॉल्ट कोड पे क्लिक करते हैं। ये जो भी फॉल्ट कोड थे दोस्तों वो क्लियर हो चुके हैं, अभी इसमें कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा। अब गाड़ी को हम लोग ऑन करते हैं और दिखाते हैं आपको डाटा स्ट्रीम में जाके। ये देखिए इसका जो एक्सलेटर पेडल है वो अब 0% पे है, पहले जो ये 12-13% पे था। अब इसको हम लोग रेस करके भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए अब इसका रेल प्रेशर जो है वो भी सही हो गया, जो कि पहले 400 बार के आसपास था। अब इसको हम लोग जैसे रेस करेंगे तो रेल प्रेशर भी बढ़ेगा। और एक बार मैं आपको पैडल की पोजीशन भी दिखा देता हूँ। ये हमने सेलेक्ट किया, ये देखिए पैडल जो है वो अभी 14% पे हमने रेस किया हुआ है और रेल प्रेशर 440 पे आ रहा है। ये आप इसका ग्राफ व्यू भी देख सकते हो उसमें। ये हम जिसको जितना ज़्यादा रेस करेंगे उतना ज़्यादा रेल प्रेशर बनेगा और अब पैडल जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा। और गाड़ी भी दोस्तों बिल्कुल ओके हो गई है, अब कोई रेस भी नहीं है और इसमें ना ही कोई दोस्तों फॉल्ट कोड आ रहे हैं। मैं आपको एक बार चेक करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों इसमें अब नो ट्रबल कोड आ रहा है।